कुछ क्वेश्चन थे, टेंशन भी थी, उनको रिड्यूस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे बीएड च एडमिशन मिल जाएगी प्लीज रिप्लाई, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी एमए के बेस पर बन रही है। बिल्कुल मिल जाएगी मैम, सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी जो है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर जनरल कैटेगरी है तो 50% मार्क्स चाहिए, ये आपको पता है ना। अगर रिजर्व है तो आपको 45 है, आपको पता है। तो उसके बाद में आपका जो रैंक आता है एंट्रेंस टेस्ट में, रैंक के बेस पर आपको आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेज की प्रेफरेंस मिलनी है। आपके बेशक 50% मार्क्स भी है तो भी आपको सीट मिल जानी है। ये वीडियो टेंशन रिडक्शन के लिए बना रहा हूं, सीट मिल जाएगी। फर्दर गाइडेंस चाहिए हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। मोनिका कुमारी, सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम जीएनडीयू, इफ आई गेट कॉलेज एफिलिएटेड टू अदर यूनिवर्सिटी लाइक पीयू या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, देन देयर इज नीड टू हैविंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यस, देयर इज नीड। अगर आप माइग्रेट होते हो, पिछला कोर्स जो है, क्योंकि आपकी रजिस्ट्रेशन अब जीएनडीयू में है ना, कि ये बच्चे ने शिफ्ट होके पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में जाना है, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ जाता है, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। दैट इज वाई रेगुलर कोर्स है, आप एक वक्त पर दो जगह इकट्ठे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, आपको रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। राजपूत कोमल, सर मुझे ग्रेजुएशन जीएनडीयू से की है और अब मैं एमएससी पीयू से करनी है, ठीक है। सर मेरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा सर प्लीज। आप बीएड की बात नहीं मेरे ख्याल में कर रहे, 13 को काउंसलिंग ए नहीं, आपने देखिए आप कह रहे हो कि ग्रेजुएशन आपने जीएनडीयू से की है, नंबर एक है ना। अब एमएससी पीयू से करनी है, और अगर यहां से भी यहां शिफ्ट होना है तो माइग्रेशन लगेगा, माइग्रेशन लगेगा। अगर आप पीयू में ही बीएड करते हो, मुझे नहीं पता आपने बीएड रिगार्डिंग बीएड करनी है जा सिर्फ यहां तक क्वेश्चन पूछा है, तो अगर बीएड उसी यूनिवर्सिटी में पीयू में ही कर रहे हो, अभी रजिस्टर्ड भी पीयू में है, फिर आपकी माइग्रेशन नहीं लगेगी। अगर आप जेएनडीयू से पीयू में शिफ्ट हो रहे हो कोर्स के लिए, देन यू हैव टू नीड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। सर हमारे पास रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है, उसके बाद भी एफिडेविट चाहिए। देखिए आपने दो बातें की है, एक तो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है वो तो रिजर्वेशन के लिए है, आपका 1% शायद इतने मार्क्स हैं, जितने भी मिल रहे हैं मार्क्स उतने के लिए है, लेकिन एफिडेविट आपका गैप के लिए है, गैप के लिए, अगर आपकी स्टडी में गैप है तो वो भी अभी फिक्र की जरूरत नहीं है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाओगे, अगर कॉलेज गैप सर्टिफिकेट मांगता है तो 1 week 10 days वो सफिशियंट टाइम देंगे, क्योंकि आप उनके एडमिशन हो, एडमिशन सीट्स खाली रह रही हैं, दैट इज वाई आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, टेंशन नहीं दी जाएगी। बस आपने ये देखना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं या कॉलेज की नजदीकी जो आपकी टेंशन हो सकती है। सर हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन म्यूजिक सब्जेक्ट, देखिए आप किस एरिया में हो ये डिपेंड करता है, अदरवाइज लगभग अगर 204 कॉलेज हैं है ना, 204 कॉलेज में से मेरे ख्याल में कम से कम 50+ में ज्यादा म्यूजिक होगा, तो म्यूजिक की सीट्स हाँ बहुत कम होती है, पर क्योंकि ये फर्स्ट काउंसलिंग में सीट्स देखी जानी है, उसके बाद अगर उनको मान लीजिए किसी कॉलेज के पास 5 सीट्स भी हैं, 2 सीट्स भी हैं, तो वो ओपन काउंसलिंग में या सेकंड काउंसलिंग के बाद वो अपनी सीट को इंक्रीज प्लस कर सकते हैं, आपको सीट मिल जाएगी। तो एग्जैक्ट मैं यहां पर नंबर नहीं बता सकता, आप ये बताइए जहां फिर आपका एरिया कौन सा है और आप जहां कहां सीट लेना चाहते हो, आप लोकेशन के इस एरिया में या इस यूनिवर्सिटी में वो आप बताएं, फिर उसके नजदीक बताया जा सकता है कि इन कॉलेजेस में है, आप वहां पर प्रेफर कर सकते हो। रावत सर 85% डोमिसाइल वालों को, अच्छा हाँ 85% मीन आपका हो गया, ये उड़ा दे, 85% मीन आपका पंजाब कोटा है, हाँ ठीक है बिल्कुल, तो 85% हो गया। डोमिसाइल वालों को भी रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा,
देखिए आपको सच्चाई अगर बताऊं तो क्या किया है इस बार यूनिवर्सिटी ने, ये आपकी टेंशन सभी की रिड्यूस कर देगा, कि जीएनडीयू ने या फिर जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने वेरिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कॉलेजेस को दे दी है। ठीक है, कॉलेजेस हर हालत में चाहेंगे कि हमारी सीट फिल हो जाए, सीट फिल हो जाए, इसलिए वो आपसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तो वो आपको कॉम्प्रोमाइज से मीनिंग है कि आपको एक्स्ट्रा डेज भी देख सकते हैं। क्या है कि कॉलेज वालों ने जो वेरिफिकेशन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट करने हैं वो यूनिवर्सिटी नहीं भेजने, ओरिजिनल यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे यहां पर दोबारा, अगर जीएनडीयू के हैं, जीएनडीयू पंजाब के, पंजाबी के, वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ कॉलेज वेरीफाई करेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की होगी। अब जो तो कॉलेज सिंसियर हैं, सिंसियर का मतलब बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी डिग्री डिस्टर्ब नहीं हुई, वो तो आपसे ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट लेंगे, उनके लिए यस है। जो कॉलेज थोड़े कर सकते हैं मैनिपुलेशन, वो कह सकते हैं कि रहने दीजिए आपकी एडमिशन हो गई है, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप ये साबित कर सकते हो कि आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मतलब आप पिछले 5 साल से पंजाब के किसी एरिया में भी रह रहे हो, पंजाब के किसी भी एरिया में रह रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑफिशियली इसका आंसर यस है कि आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, 5 साल कम से कम हुए होने चाहिए आपको वहां रहते हुए जहां का आपने बनवाना। अच्छा प्रजापति जी, सर मेरे से कॉलेज ने नहीं मांगा गैप सर्टिफिकेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, मोस्टली गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के जो रूल है वो थोड़े हाँ फॉलो करते हैं, दैट इज वाई अगर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में आपका कॉलेज है वो गैप सर्टिफिकेट मांगते हैं। पंजाब पीयू और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के कॉलेज में नहीं लगभग मानते, तो नहीं मांगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी, क्योंकि गैप इज नॉट ए बिग इशू, तो वो बन भी सकता है, अगर चाहो 10 मिनट में बन जाता है, तो चिंता मत कीजिए। सर प्लीज प्लीज रिप्लाई, मैंने बीएससी 2020 पूरी की है, तो मैं एमएससी हूं 2022, हाँ बट रिजल्ट नहीं आया, सो मेरिट लिस्ट च नाम आएगा, मतलब बीएससी बेस पे एडमिशन मिलूगी आपने? हाँ बीएससी की हुई है, बिल्कुल आएगा, आएगा, यस आएगा, आप एलिजिबल हो ना उसके बेस पर, आपकी नहीं वेट की जाएगी, उनकी वेट की जा रही है जिनका भी रिजल्ट ग्रेजुएशन का भी आउट नहीं हुआ, उनकी वेट की ही जाएगी। ये वीडियो उनके लिए ही बन रही है, उनकी टेंशन रिड्यूस करने के लिए, डोंट वरी। सर प्लीज रिप्लाई, मैंने बीएससी, ये हो गया। स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बरोना का बताएं कि कैसा है आप? सर देखिए, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, कॉलेज का नाम भी लिखा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप कैसा है, इसे क्या डेफिनेशन, आपकी डिमांड क्या है। हो सकता है कि आप नॉन अटेंडिंग मांगते हो, है ना, हो सकता है आप कोई और रिलैक्सेशन, हो सकता है वहां इंटरनल असेसमेंट ये पूछ रहे हैं, हो सकता है कि वहां का टीचिंग स्टाफ आप बहुत अच्छा पूछते हैं, कैसे पूछ रहे हो, वहां लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पता नहीं अब अच्छे की डेफिनेशन भी बदल चुकी है ना। क्या चाहते हो उसके बारे में है, आप क्या चाहते हो फिर, हाँ अगर टाइम लगा तो पता कर दूंगा, लेकिन ऐसे आप अगर व्यू लेना है तो आप पिछले स्टूडेंट से पहले अपनी प्रेफरेंस प्रेफर कीजिए कि मुझे क्या चाहिए, फिर आप वो क्वेश्चन बनाइए कि क्या ये उस कॉलेज में होता है, है ना, ये बात अलग है कि वो प्रेफरेंस एथिकल है या नॉन एथिकल है, ये बात की बात है, तो दैट इज व्हाई मैं ऐसे सीधा नहीं बता सकता। आप स्पेसिफिक पूछ लिए कि ये प्रॉब्लम है, फोन करके पूछ सकते हो, जो फोन आपको दिया है ना वहां पर भी पूछ सकते हो। सर मैंने ग्रेजुएशन 20 में कंप्लीट करी है और बट करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिया पंजाबी यूनिवर्सिटी से, बिकॉज 3 ईयर गैप था, गैप सर्टिफिकेट तो हो जाएगा पर क्या करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, आप 5 साल बाद 10 साल बाद जहां से आप पढ़े हुए हैं गैप है उसके बाद आप करेक्टर सर्टिफिकेट वहां से ले सकते हो, मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये प्रॉब्लम अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी आएगी नहीं आपकी। विशाल, हेलो सर, प्लीज टेल मी के स्वामी विवेकानंद कॉलेज, ये पूछा ही बात कराए हैं। ये रहा द कंडीशन ऑफ प्राइवेट टीचर आर वेरी क्रूशियल, अच्छा वो वीडियो निकाला था सर, हमारे यहाँ सर्वे असेसमेंट के नाम पर होते हैं। अच्छा ये वो है, टेंथ सर, टेंथ प्लस टू दी डीएमसी तो है बट ये डिग्री कौन सी होती है? सर्टिफिकेट बोल दो इसको ना, सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक टेंथ का डीएमसी भी होता है, वैसे चल जाएगा आपका, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में चल जाएगा, गवर्नमेंट है तो वो वेरीफाई कर सकते हैं, वो मांग भी सकते हैं। जैसे मैं अपना दिखा दूंगा, डीएमसी या जिसमें डिटेल मार्क्स का होता, सर्टिफिकेट होता है जो सर्टिफिकेट जिसमें जिस लिए ये लिखा होता है कि इस शख्स ने, इनके पापा का नाम ही है और इन्होंने यहां से दसवीं या बारहवीं ये इस डिवीजन में पास की हुई है, बस बहुत ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसमें होती है। तो ये दोनों होते हैं, टेंथ का भी होता है और टेंथ प्लस टू का भी होता है। सर टेंथ और टेंथ में डीएमसी तो है, चलो होगी बात। सर ग्रेजुएशन ऑनर लैंग्वेज सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए, ग्रेजुएशन ऑनर लैंग्वेज, ग्रेजुएशन ऑनर लैंग्वेज फॉर एग्जांपल लैंग्वेज आपकी ऑनर इंग्लिश है तो मेजर सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही बनेगा, कई बार दूसरा कोई और सब्जेक्ट साथ में नहीं मिलता, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, वो नहीं मिलता, तो कई बार मोस्टली इंग्लिश के साथ, लैंग्वेज के साथ आपको लैंग्वेज ही लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक साल पंजाबी ऑनर के साथ पढ़ी हुई है, तो जो भी सब्जेक्ट आपने इंग्लिश ऑनर है, मान लीजिए अगर इंग्लिश ऑनर है, तो दूसरा कोई भी सब्जेक्ट एक साल पूरा पढ़ा है आपने, तो वो आपका माइनर सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप जॉब के लिए इंग्लिश के लिए एलिजिबल हो गए, अगर आप पंजाबी के लिए दूसरा सब्जेक्ट जो भी लिया है अगर एक साल पढ़ा है तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, वो आपको इलेक्टिव के तीन साल के ग्रेजुएशन के पेपर देने पड़ेंगे, फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन कौन एमएड करके असिस्टेंट प्रोफेसर है बताइए मुझे। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर, क्लियर कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा। जहां तक एमएड की बात है, यहाँ पर यूजीसी नेट क्लियर कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, मैं बता रहा हूं, एक खतरनाक औजार है जो एनसीटी का है, वो अभी चला नहीं है, कोर्ट में ही अटका हुआ है पार, जब उसकी उसका डाटा इन कॉलेजेस ने फिल करना है, उसमें ये फिल करना होता है कि आपके पास स्टाफ बीएड कॉलेज के पास क्वालिफाइड स्टाफ कितना है, तो उसको फिल करने के लिए अगर पूरा नहीं है तो कॉलेज बंद हो सकती है। दैट इज वाई एमएड विद नेट कैंडिडेट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अभी। दूसरा टूल है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है, उसकी इम्प्लीकेशन है। तीसरा कि यूजीसी ने ये कहा है कि 66% हर डिग्री या किसी भी बीएड या प्रोफेशनल कॉलेज में रेगुलर स्टाफ अप्रूव्ड, रेगुलर और अप्रूव्ड स्टाफ चाहिए। तो ये जो डायरेक्शन है ये बता रही है कि आपको क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन कर लेनी चाहिए, आपको मौका मिल रहा है। दैट इज वाई अगर एमएड यूजीसी नेट आप क्लियर कर जाते हो तो इजीली। थर्ड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू कर रही हैं, उसमें भी आपको फायदा है कि एमएड है, दूसरी आपकी कोई और मास्टर डिग्री है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, पंजाबी है, इंग्लिश है, कोई भी है, तो वो डबल फायदा हो सकता है आपको। बाकी आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर था, मैंने कोशिश की है जो मुझे समझ आया। सर मैंने 2 साल पहले रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था बट किसी रीजन के चलते मैं वो सर्टिफिकेट लेने नहीं जा सका, तो अभी करंट में मैंने न्यू अप्लाई किया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रेजिडेंस है, आप 5 साल से वहां रहते हुए होने चाहिए, बस ये है अगर वहां से रहते हैं और लोकल अथॉरिटी ने सर्टिफाई कर दिया है कि ये 5 साल से या उससे ज्यादा से वहां रह रहे हैं तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन गया, कभी भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट है सर, थैंक यू फॉर रिप्लाई। ईटीटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कब स्टार्ट होगी? अभी तक एससीईआरटी पे कोई अपडेट नहीं है सर। मैं पता कर दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट डाइट्स में ही होती है, तो वहां साथ साथ में ही होती है, लेकिन वो काउंसलिंग के प्रोसीजर में होती है, तो मैं अलग से उस पर वीडियो डाल दूंगा एक, ठीक है। हैप्पी टीचर्स डे, सो ट्रू प्राइवेट, वेरी नाइस सर। डीएड के बाद डीएड है, आपने डीएलएड तो नहीं लिखना था? डीएलएड ईटीटी को बोलते हैं। के बाद एमएड किया है तो वर्ग वन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं एमपीटीईटी में? मुझे बात नहीं समझ आई आपकी, आपको दोबारा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, मुझे समझ में नहीं आया सर। डी एड या बी एड लिखना होगा, के बाद एम एड किया है, ठीक है, तो वर्ग एक में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं एमपीटीईटी में? नहीं पता चला। ओके, नेक्स्ट है सस्का सर, आई बिलोंग टू पंजाब एंड एससी सर्टिफिकेट ऑन बर्थ बाय पंजाब गवर्नमेंट, क्या पूछ रहे हैं ये सर? सर्टिफिकेट ऑन बर्थ बाय पंजाब गवर्नमेंट बट नाउ आई लाइव इन चंडीगढ़ आफ्टर मैरिज 10 ईयर अगो, प्लीज गाइड मी बिकॉज आई हैव नो डोमिसाइल ऑफ पंजाब। देखिए दो बातें हैं, अभी मैं पीछे भी बता के आया हूं। एक तो बात, आप मुझे ये बताएं कि आपने एडमिशन किस कॉलेज में प्रेफर करनी है, किन कॉलेजेस में प्रेफर करनी है। अगर वो कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट है ना, आपके पास नॉन पंजाब का रेजिडेंस है या नहीं है? मोस्टली कॉलेज में मैक्सिमम बता रहा हूं 50 to 70% सीट फिल होनी है, 30% ऑन एन एवरेज कह रहा हूं, स्पेशल कॉलेज का केस डिफरेंट हो सकता है, जहां पर 50 सीट्स ही हैं वहां फिल हो जाती हैं। आपके एक दो कॉलेजेस जो चूज किए हैं, जब वे सीट्स ही खाली रहेगी तो वो आपको बाद में नहीं तो बाद में ओपन में जो 15% है उसमें एडजस्ट कर लेंगे, जहां आपको 85 में ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे, हो जाएगा। आपके पास इंडिया के तो हो ना, बस इतना काफी है। डिपेंड करता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो तो फिर इन अकॉर्डेंस विद काउंसलिंग आपको पूरे जो डॉक्यूमेंट करने ही पड़ेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज बख्शेगा नहीं। अगर 85 में जा रहे हो, रेजिडेंस आपको पंजाब में अप्लाई किया है तो पंजाब का ही चाहिए, बन जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पहले रहते थे बन जाता है, वेरी इजी है, कोई बड़े काम नहीं है। तो आप बताइए कि आप कहां किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। सर हमारा एमएससी बॉटनी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, क्या फिर डेट्स एक्सटेंड होगी? बिल्कुल होगी, अभी तक देखिए आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक आया कुछ हुआ है? क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट है। दूसरा है कि एडमिशन की नंबर पर इफेक्ट होगा, तो कोविड के कारण ये सारा कुछ शायद लेट हो रहा होगा, तो जब रिजल्ट आएंगे आपकी एलिजिबिलिटी वाले ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के कोई भी हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। दूसरा है सेकंड काउंसलिंग होनी है, तीसरा है कि उसके बाद नॉर्मली ओपन हो जाती है ना, तो दैट इज वाई घबराने की जरूरत नहीं है। सर ये फॉर्म ऑप्शनल है या कंपलसरी रूरल एरिया वालों का? नहीं, जिन्होंने सिर्फ ये उनके लिए जिन्होंने प्रेफरेंस रूरल फिल की है कि मैंने 10th और 10+2 रूरल से की है और मुझे 1% की वेटेज एक्सपर्ट मेरिट दी जाए। अगर आपने मांगी नहीं है फिर आप कहिए, दैट इज वाई ऑप्शनल हो गया। सर मैंने चॉइस फिलिंग में 1 कॉलेज सिलेक्ट किया है, सर क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने 10 ऑप्शन में से कोई एक, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड कर, अगर आपका रैंक अच्छा है तो वहां सीट ही मिल जानी है आपको। अगर नहीं मिलती बाय चांस आपको, प्रॉब्लम क्या आती है कई बार कि आपकी कैटेगरी में कम होती है सीट और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो नहीं मिलते, तीसरा है कॉलेज आपने एक ही फिल किया है, अगर ये उसकी कैटेगरी और आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर काफी हैं, रैंक आपका ऊपर है तो आपको वही मिल जाएगी। अगर नहीं भी अलॉट होती सेकेंड काउंसलिंग में, फिर आप 10 के 10 फिल कर सकते हो,
दैट इज वाई नॉट नीड टू वरी. सर अगर आप काउंसलिंग टाइम माइग्रेशन अप्लाई कीता होवे पर अपने कोल माइग्रेशन सर्टिफिकेट ना होवे तो प्रॉब्लम नहीं आंदी एडमिशन च बनांदे बाद च भी सबमिट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं. एक बार बता दूं कि अब जो है डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी जमा नहीं होते, कॉलेज के पास ही रहते हैं. अगर जमा होते हैं तो आप अगर वो ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आप लेट हो जाते हो है ना, तो फिर नॉर्मली 1000 के करीब फाइन लेट फीस पड़ जाती है. लेट फीस इसके अलावा कुछ नहीं होता. तो अगर वो भी उससे टाइम से कम आ जाए, मतलब स्टूडेंट्स रिटर्न एक फिल होनी होती है, स्टूडेंट्स रिटर्न. अगर स्टूडेंट रिटर्न से पहले आपका डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं, आपको कोई फाइन नहीं फिल करना पड़ता. सर पंजाब यूनिवर्सिटी च एमएलए हैंडबुक रिसर्च च कोई आपकी मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया, दोबारा पूछ लेना आप. सर मेरे बीए दे रिजल्ट च अवेटेड लिखिया आया है बीएड काउंसलिंग ले नंबर फिल करन सी हुन बनू की बनू जी या अलग चांस मिल जूगा? रिजल्ट अवेटेड है ना, अवेटेड है. आप कोई डॉक्यूमेंट देखिए आपका लिखा होगा कारण कि क्यों अवेटेड है, तो वो डॉक्यूमेंट पूरा कीजिए या यूनिवर्सिटी जाके आप रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल भी ले सकते हैं, जमा करवा के काउंसलिंग में आ सकते हैं. अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सेकंड काउंसलिंग पड़ी है, ओपन उसके बाद होती है, वो भी चांस होता है. डोंट वरी, हो जाएगा. हाँ कंपार्टमेंट है, पेपर लेट होने हैं फिर प्रॉब्लम है. सर मेरा बीए फाइनल सेम द रिजल्ट आ गया बट इस सब्जेक्ट विच प्रैक्टिकल दे मार्क्स नहीं लगे, इसलिए रिजल्ट अवेटेड आ रहा है. हुण मेरे मार्क्स अपडेट ता नहीं कर सकता, फिर दैट इज वाई अभी रुका हुआ है. फिर भी आप नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी जाके जहां इंक्वायरी पर पता करके कि ये प्रॉब्लम है, मेरे का रिजल्ट कैसे आ सकता है, तो ये मेरे ख्याल वन विद इन वन वीक अगर आप जाते हो तो विद इन वन वीक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब तक आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है. नहीं तो इसके बाद सेकंड काउंसलिंग है, सीट आराम से मिल जानी है. किस एरिया में रहते हो, कितने कॉलेज आप प्रेफर किसको करना चाहते हो, आराम से मिल जानी है सीट, कोई घबराए मत. सर यू स्किप्ड क्वेश्चन 11. हाँ मैं क्वेश्चन वो रिसर्च का था, छोड़ा था, वो बना दूंगा. उसका आंसर डेवलपमेंटल रिसर्च है. वैसे सर वीडियो की क्वालिटी कभी कभी बहुत पुअर हो जाती है. हाँ जी मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा कैमरा वगैरह लेके इसको इम्प्रूव करता हूँ, साउंड सिस्टम इम्प्रूव करता हूँ. अभी तक मैंने यही इसी पर खर्चा किया है ना सारा, ये बड़ा प्रोजेक्ट था, तो धीरे धीरे करके बनते हैं. वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी. सर प्लीज टेल मी मेरिट लिस्ट कदों आवेगी? जो ही बी एड सॉरी ग्रेजुएशन के जो रिजल्ट हैं तीनों यूनिवर्सिटी के आउट हो जाएंगे. आज 9 हो गई सर, काउंसलिंग कोई अपडेट नहीं आई. कोई बात नहीं, हो जाएगा. यूनिवर्सिटी ने जो रूल्स हैं उनको फॉलो ही करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन का जिनका रिजल्ट नहीं आया उनका कसूर नहीं है कोई, तो उनका रिजल्ट आएगा साथ में ही ये अपडेट हो जाएगा. तो ये थे अब तक के क्वेश्चन. तो फिक्र नहीं करना, सबको एडमिशन मिल जानी है, सबको जो एलिजिबल हैं, ठीक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट हीरा फेरी के नहीं है उन सबको मिल जानी है. डॉक्टर तीरथ सिंह लर्न टू एक्चुअलाइज, थैंक यू. पीटेट सीटेट के फॉर्म आने वाले हैं, अगर किसी ने फिल करने हैं वो भी बताऊंगा. अगर क्लासेस साथ साथ में शुरू करनी है तो आप रेडी रहना, जो साथ में जुड़ना चाहते हैं साथ साथ में आपके सेम वन की तैयारी भी होगी और आपकी पीटेट सीटेट की भी तैयारी हो जाएगी, तो वो जुड़े रह सकते हैं. थैंक यू लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह.